बैक विद अनदर वीडियो. तो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके आप लोगों के लिए. तो गाइस थैंक यू सो मच जो आपने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर इतना प्यार दिखाया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट दिखाए. इतना तो सोचा भी नहीं था जिस हिसाब का आप लोगों ने प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया. तो थैंक यू सो मच. वो शायद आप लोगों को मेरे चेहरे से दिख रहा होगा कि आई वॉज लिटरली इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दोस कमेंट्स. जो चलो व्हाट्स एवर इट वॉज, बट थैंक यू सो मच गाइज. मैंने जो लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरे 5% सब्सक्राइबर नहीं शायद मेरी हेल्प की, 95% ऐसे ही थे, बट शायद मैं गलत था. आप लोगों ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया. कोई शक नहीं, 100% सब्सक्राइबर्स, 100% मेरे व्यूवर्स जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, हर जगह पे मेरी वीडियोस देखते हैं. एंड आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड, मतलब कैसे मेरे मुंह से जुबान निकल ही नहीं पा रहे वर्ड्स. आई एम लिटरली इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि मेरे को इतना अच्छा लगा कि आप लोगों ने कैसे सपोर्ट किया और सच का साथ दिया. ऑल दो देखो हर कोई काम करने आता है, किसी की कंपटीशन करना है तो करो, बट एक अच्छा कंपटीशन करो, एक हेल्दी कंपटीशन करो. अपनी सेल्स से दिखाओ कि तुम कितना कॉम्पीट कर सकते हो. ऐसे मुंह बोले कंपटीशन मत करो, किसी और की टांग मत खींचो, किसी और पे जुल्म मत लगाओ. तो मेरा कहना यही है कि कॉम्पीट करो. नो डाउट मैं भी कॉम्पिटिशन के लिए बैठा हूँ, डरता नहीं हूँ, कम्पीट करने के लिए बैठा हूँ. मार्केट में है तो कॉम्पिटिशन मिलेगा ही मिलेगा, बट कम्पीट विद योर स्टॉक, कम्पीट विद योर सेल्स, कम्पीट विद योर कस्टमर्स. डू नॉट कम्पीट बाई पुलिंग समवन अदर्स, किसी के टांग खींचने के बाद, किसी को झूठा बोलने के बाद, भगवान का नाम लेने के बाद, ऐसा मत करो. बट एनी वेज लेट्स नॉट टॉक फर्दर अबाउट दिस थिंग. आज की वीडियो होने वाली है नेक्स्ट लेवल, धमाकेदार वीडियो. आपको मैं ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ऐसा मतलब सनसनी खिलने वाली है. अब मैं यूट्यूब पर क्या बताऊँ. जसनीत पाजी इज कमिंग बैक विद अ बैंग. अब मैं फिर से आ रहा हूँ वापसी अपने फॉर्म में. थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को उस चीज़ से बाहर आने में. आज किसी ने इतनी भूसा तो एक वीडियो में नहीं दिखाई होगी. भूसा को तो अभी बताने नहीं था ना, चलो बता ही दिया तो बता ही देता हूँ. थंबनेल में तो देख ही लिया होगा. अब इस थंबनेल के अंदर अब जो आपने देखा है और अब जो रियलिटी में आप देखने जा रहे हो, थिंग्स आर गोना बी वेरी डिफरेंट. एग्जैक्टली. चलो सिनेमैटिक से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइस जैसा कि आपने अभी सिनेमैटिक्स एंजॉय करे होंगे, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सुजुकी हायाबुसा GSX 1300R. बूसा ही बूसा का आज मैं आपको ऐसा एक स्टॉक दिखाने वाला हूँ जो शायद यूट्यूब हिस्ट्री में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. एंड इसके अलावा भी एक दो बाइक्स और हैं, बट ड्यू टू स्पेस यहाँ पे मैं लगा नहीं पा रहा हूँ. इसके बेचारे के फ़ोन में इतना बड़ा वाइड एंगल लेंस नहीं है जो कैप्चर कर पाए. तो
without any further ado, let's start this video. मैं पहली आपको कहीं दूर ले जाता हूँ, अभी हम बहुत आगे आ गए हैं. पहले चलते हैं इसके ऊपर. This bike, the white color bike is Suzuki Hayabusa 2010. 2010 की बाइक है ये दोस्तों. जो कलर स्कीम आप इसकी देख रहे हो, दिस इज कन्वर्टेड इनटू 2013 कलर स्कीम. वैसे ये वाइट कलर की है. द कलर स्कीम हैज बीन कन्वर्टेड इन 2013 मॉडल में कन्वर्ट हुई भी है. वाइजर लगा हुआ है डबल बबल. इसके अंदर ये आपको लिवर्स मिल जाएंगे. नीचे क्रैश गार्ड्स, इंजन गार्ड्स, टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स, कस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं बाय ऑस्टिन रेसिंग. पीछे काउल है, सीट आपको साथ में मिल जाएगी. HR26 गुड़गांव रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर बाइक है. 16,000 के आसपास चली हुई है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. वे चेक कर लेते हैं. या 16,912 16,912 किलोमीटर चलिए दोस्तों. प्राइस की बात मैं एंड में बताऊंगा. तो 2010 के बाद आपको दिखाते हैं जो इसके साथ खड़ी है 2016. ये 2016 का मॉडल है गाइस. 16 एडिशन अगर आपको बताएंगे तो इसके अंदर 16 के अंदर ग्रे, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहता था. ये 16 का एडिशन है और 16 के अंदर आपको ऑब्वियसली ब्रेम्बो ब्रेक्स एंड ABS दीज स्टार्टेड कमिंग स्टैंडर्ड इन बूसा आफ्टर 2014 के बाद से आने लग गया था. तो 16 के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ब्रेम्बो ब्रेक्स एंड ABS मिलती हैं. उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारे एक्सेसरीज जो मैं बताना भूल गया. उसके अंदर आपको रोटर्स देखोगे, अगर आप आइए तो पास से देखिए उसके रोटर चेक कीजिए. दीज आर पेटल डिस्क रोटर्स, नॉन ABS है. तो रोटर स्टेज जो है ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड. आगे पीछे दोनों में इसमें लगे हुए हैं. तो एक्सेसरीज काफ़ी सारी है उस बाइक के अंदर. और 2016 वाली की अगर बात करी जाए, इसके अंदर ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगा हुआ है. आपको सिर्फ स्कॉर्पियन का एग्जॉस्ट मिलता है, रेस्ट एवरीथिंग इज स्टॉक. ये बाइक जो है ये चली है लगभग 14,000 किलोमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वंस अगेन 13,706. सो दिस बाइक हैज़ बीन ड्रिवन 13,000 किलोमीटर्स. दिल्ली रजिस्टर्ड है. VIP नंबर है इस बाइक का, सिंगल डिजिट नंबर है. एंड आस्किंग प्राइस अगेन लास्ट के लिए बचा के रखेंगे. सो 2016 मॉडल जो भी आपने देखी है दोस्तों, 16 के बाद जो नेक्स्ट आती है दैट इज 2017 मॉडल बूसा. ये खड़ी आपके सामने. ये 2017 का एडिशन है गाइस. थोड़ी सी लाइट की कमी है तो डोंट माइंड. ये 17 एक ये खड़ी है, एक 17 इसके साथ में खड़ी हुई है. अब दोनों के अंदर एक अलग अलग खासियत है. अगर मैं उसकी भी बात करूं और इसकी भी बात करूं, ये वाली जो 2017 है, दिस बाइक हैज़ बीन ड्रिवन ओनली 9,000 किलोमीटर्स. मिंट कंडीशन बाइक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार. इसके अंदर आपको T-Rex के फ्रेम गार्ड्स मिलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव गार्ड्स अवेलेबल फॉर द बूसा राइट नाउ. टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स मिलती हैं साथ में. ब्रॉक्स के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इसके अंदर 4:2 ऑन बोथ द साइड्स. टायर आप देख सकते हो, दिस बाइक हैज़ बीन 9,000 किलोमीटर्स. टायर चला हुआ है लगभग सिर्फ 700-800 किलोमीटर. सो इट्स न्यू टायर. पीछे काउल लगा हुआ है, सीट आपको साथ में मिल जाएगी. मोबाइल फ़ोन होल्डर, मोबाइल फ़ोन चार्जर लगा हुआ है. उसके अलावा अगर बाइक के बारे में बात करी जाए, इसके अंदर K&N का एयर फिल्टर लगा हुआ है. द बाइक हैज़ बीन फुली सर्विस्ड. पूरी बाइक सर्विस्ड है, आपको कुछ भी स्पेंड नहीं करना है इस बाइक के ऊपर एक्स्ट्रा. और 9,000 चलिए आप देख सकते हो. किलोमीटर्स ड्रिवन. अब इसके साथ में जो खड़ी है दोस्तों, दिस इज ऑल्सो 2017 एडिशन. ये जो बाइक है दोस्तों, दिस बाइक हैज बीन ड्रिवन 18,000 किलोमीटर्स, लगभग 18,000 किलोमीटर चली हुई है ये बाइक. मैं इसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को.
18,413 किलोमीटर चली हुई है। इसके अंदर एक्सेसरीज लगी हुई है भरपूर, काफ़ी सामान लगा हुआ है दोस्तों इस बाइक के अंदर। आपको इसके अंदर डबल बबल वाइजर मिलता है, टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स मिलती है, क्रैश गार्ड्स, इंजन गार्ड्स, सब कुछ लगा हुआ है इस बाइक के अंदर। ओरिजिनल रेस फिट के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं टाइटेनियम, दीज आर ओरिजिनल रेस फिट्स, ये रेप्लिकास नहीं है। उसके अलावा जो मेन बात है, अगर आप इसका साइड पैनल देखिए जरा एक बार आगे से आके दिखाओ, अब ये जो चीज़ आप देख रहे हो हायाबुसा का लोगो, शायद आपको भी ब्लू कलर का दिख रहा होगा और अब दिख रहा होगा ये नॉर्मल ग्रे कलर का। अब दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को, दिस अगेन टर्न इन टू ब्लू। इस बाइक में है दोस्तों ल्यूमिलोर का पेंट जॉब, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जो भी एक पेंट जॉब होता है बाइक्स के लिए। ये जो पैनल्स हैं दी स्टैंड अलोन कॉस्ट नियर अबाउट 1,70,000, सो दिस इज रियली एक्सपेंसिव एंड इट लुक्स टू गुड। आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 2017 मॉडल बूसा है ये, एंड प्राइजिंग के बाद अगेन हम करेंगे थोड़ी देर बाद, इसके बाद आते हैं 2018 पे। जैसे कि भाई आपने 17 मॉडल की बूसा देखी, एक नहीं दो देखी, तो नेक्स्ट क्या ईयर आता है, दैट इज 2018, 2018 मॉडल की बूसा भी आपके सामने खड़ी है ब्लू कलर में। तो ब्लू एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन, अगेन स्ट्राइप्स वाला कॉम्बिनेशन। पर्सनली अगर बात करी जाए, अगर मैं अपनी पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मुझे ना ये स्ट्राइप्स वाला कलर कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन लगा था अभी तक का, जो भी बूसा अभी तक आई है फ्रॉम 2009 टिल 2019 जो अभी तक बूसा आ रही है। मुझे पर्सनली आई डोंट नो व्हाई मुझे ये वाला कलर स्कीम, स्ट्राइप्स वाला 17-18 वाला कलर स्कीम सबसे बेस्ट लगा। सारे कलर्स अच्छे थे इसमें, रेड वाइट आता था, ये ब्लू वाइट मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ब्लैक सिल्वर आपने देख लिया है। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ देना मत भूलिएगा। सो दिस इज़ अगेन इस 2018 मॉडल बाइक। बाइक की कंडीशन एक बार ये आप देखिए, इसमें टू ब्रदर्स ब्लैक सीरीज के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। सबसे प्यारी आवाज़ आती है इस बाइक के अंदर इस एग्जॉस्ट के साथ। ये एक बड़ी ही फेमस यूट्यूबर ने भी अपनी बाइक में लगवाए हुए थे एग्जॉस्ट, टू ब्रदर्स के ही ब्लैक सीरीज़ के। आप लोगों को पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड गाय एंड शाउट आउट टू हिम। उनकी बाइक के अंदर भी यही सेम एग्जॉस्ट लगे हुए थे, सो ही शिफ्टेड डाउन टू रेस फिट्स नाउ। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है दोस्तों अनडाउटेडली। उसके अलावा इसके अंदर लगा हुआ है टैंक ग्रिप्स, टैंक पैड, रेस्ट, द बाइक इज स्टॉक। अगर किलोमीटर की बात करते हैं, दिस बाइक हैज़ बीन नियर अबाउट 5,000 के आसपास, या 5,918 किलोमीटर्स। 2018 मैन्युफैक्चर, 18 रजिस्टर्ड है, दिल्ली नंबर है, सिंगल ओनर बाइक है, 5,900 किलोमीटर चली हुई है। प्राइस कुछ ही देर में आने वाला है। सो गाइस, जैसे कि भाई आपने देखी 2018 मॉडल की बूसा, अब 2018 के बाद आता है 2019 जो अभी चल रहा है। आपको 2019 के अंदर भी जो सबसे, मैं कहता हूँ, लाइट कलर जो लोगों को बहुत ही पसंद आया, दैट इज़ योर दिस ग्रे विथ शेरी कॉम्बिनेशन। सॉरी गाइस, थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम है, रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, आज बहुत लेट हो गए, सो सॉरी फॉर दैट। आपको इसकी एक और क्लियर दिन के अंदर भी आपको इसकी एक और वीडियो में बनवाऊंगा स्पेशली फॉर दिस बाइक। दिस इज 2019 मॉडल एंड ये बाइक है मार्च 2019 की, सिर्फ 3500 किलोमीटर चली है, 3500। अब बाइक की अगर एक्सेसरीज की बारे में बात करूँ, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कुछ खास दिखेगा नहीं आपको, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है, ट्रस्ट मी गाइस, इसमें बहुत कुछ है। एक बार यहाँ पे क्लोजली देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ये बबल जो आ रहा है, दिस इज़ बिकॉज इसके अंदर ये पूरे टैंक पे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म चढ़ी हुई है, दिस इज़ PPF पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, टैंक पे, साइड पैनल्स पे, पीछे टेल पे, आगे नोज पे, हर जगह पे इसके ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म चढ़ी हुई है।
So you don't have to worry about scratches anymore. Bike pe koi scratch padta bhi hai, you can remove that film and the scratch will be gone. Uske ilawa agar baat kare accessories ki, ab kaise shuruaat karun? So jo setup dikh raha hai pehle wo batata hu, isme tank pad, tank grips lagi hui hai. Uske ilawa isme crash guards lage hue hain. Us taraf engine guard bhi laga hua hai. Saath hi saath mein iske andar choti moti cheeze itni achhi achhi lagi hui hain. Main aapko lighting ke saath dikhata hu. I'll have to turn on the flash of my phone. Mera phone Arjun ke paas hai. दोस्तों इस बाइक के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे दीज आर द रेड स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस जो इसके अंदर लगी हुई हैं बहुत ही प्यारी लगती हैं बहुत ही एक्सेंट्स इसकी छोटी छोटी अच्छी लगती हैं आगे आएंगे आगे भी आपको दिखेंगी दीज आर अगेन द स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस ये कवर्स लगे हुए हैं क्रोम्ड आउट कलर्स हैं कवर्स है ये भी लगा हुआ है ये भी लगा हुआ है साथ ही मोबाइल फ़ोन होल्डर मोबाइल फ़ोन चार्जर लगा हुआ है ये जो छोटी मोटी एक्सेसरीज आप देख रहे हो दीज आर योर क्लच ऑयल इज़ अ वर्क ऐप एंड योर ब्रेक ऑयल इज़ अ वर्क ऐप वो भी लगी हुई है इसके अंदर इस बाइक के अंदर लगी हुई है मोरी मोटो की तरफ से एच आई डीज यहाँ पे मैं आपको ये भी एक बार दिखा देता हूँ दीज लाइट्स आर सिंपली अमेजिंग एक बार सामने इसकी ल्यूमिनेंस देखो एक बार यहाँ से तुम सामने दिखाओ इसकी ल्यूमिनेंस नेक्स्ट लेवल है दोस्तों दिस इज इनसेनली ब्राइट आइए अगर बंद करना लो बंद चालू कर दो चालू ये देखो गाइस अभी लो भी में अब हाई भी में अभी थोड़ा सा जस्टिस नहीं हो पाएगा इन लाइट्स को लेके बट मोरी मोटो के एचआईडी जिनको पता है दोज आर द फाइनेस्ट एचआईडी अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ किलोमीटर से आपको दिखा देता हूँ मैं अभी ट्रिप पे है आई विल सेट इट आउट फॉर यू 3508 किलोमीटर चली है ओनली पूरे सर्विस रिकॉर्ड के साथ 5 साल की इंश्योरेंस के साथ एंड कंडीशन तो आप लोगों के सामने है ही है सो ये एक ऐसी बाइक है 2019 की इस कलर के अंदर ग्रे कलर विथ चेरी व्हील्स और चेरी का कॉम्बिनेशन आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड सो सॉरी लाइटिंग का इशू थोड़ा सा हो गया कि अर्जुन आज लेट हो गया मैं भी यार लेट हो गया थोड़ा सा सो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट बट इस बाइक के अंदर इस बाइक के लिए स्पेसिफिकली अगर आप लोग चाहते हो एक और वीडियो आए तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा बताइएगा यू वॉन्ट अनदर वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दिस 2019 मॉडल हायाबूसा बिल्कुल सो दोस्तों आज आपने वीडियो के अंदर देखी 2010 16 17 अगेन 17 18 एंड 19 छः हायाबूसा मैंने आपको दिखाई है एक 2015 की भी एक और है टोटल 7 बूसास का स्टॉक मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल है एंड आप आ सकते हो सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स पे चेक आउट ऑल दीज बाइक्स आपको जो अच्छी लगेगी वी कैन नेगोशिएट अ गुड डील ओवर द टेबल एंड नेगोशिएशन से मुझे याद आया मैंने प्राइजेस बताना भूल गया था अब आपको मैं सबके प्राइजेस एक गो में बता जाता हूँ ताकि आप लोगों को भी चीज़ क्लियर हो जाए कि सबके प्राइजेस क्या हैं सो गाइस गर्मी बहुत है डोंट माइंड थोड़ी सी लाइट भी कम हो गई है शाम का वक्त हो गया है अब बात करते हैं इनके प्राइसिंग की आइए आपको प्राइस बताता हूँ मैं सबके ये जो वाइट वाली सबसे पहले मैंने दिखाई थी 2010 मॉडल इसका आस्किंग प्राइस है 8.25 लाख्स विच इज़ नेगोशिएबल उसके साथ ये 2016 वाली जो खड़ी थी जिसकी मैं डिटेल्स बताई थी इसका आस्किंग प्राइस हमें रखा हुआ है 11.75 लाख्स विच इज़ अगेन नेगोशिएबल सो गाइस अभी तक आपने 2010 का देखा अब 2016 का देखा लेट्स स्टिक डाउन टू 2017 नाउ ये वाली जो 2017 मॉडल की बूसा है ल्यूमिल और पेंट जॉब वाली आपको दिखा देता हूँ एक बारी इसका जो आस्किंग प्राइस है ये चली थी लगभग 18,000 किलोमीटर वी हैव केप्ट 12.25 लाख्स सवा 12 लाख रुपये इसका है 12.5 लाख रुपये उसका है दोनों 2017 हैं ये 18,000 चली है वो 9,000 चली हुई है एंड इसके बाद अगर बात करते हैं 2018 वाली की द ब्लू वन इसका जो हमने एक्सपेक्टेड प्राइस रखा हुआ है दैट इज़ 13 लाख्स विच इज़ नेगोशिएबल 13 लाख रुपये 2018 मॉडल का प्राइस है और जो 19 वाली है इसका प्राइस वी हैव केप्ट 14 लाख रुपीज़ 14 लाख रुपये एंड इस वीडियो के अंदर सारे प्राइजेस नेगोशिएबल हैं कोई भी प्राइस फर्म नहीं है नई बाइक का प्राइस स्टॉक बाइक का प्राइस है 15,60,000 रुपये
देर आर नो डिस्काउंट गोइंग ऑन हायाबुसा, कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. 1560 इज द फर्म एंड द फाइनल प्राइस विच इज ऑफर्ड बाई कंपनी ऑफिशियल सुजुकी के शोरूम से. तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में ये मत बोलना 13 लाख रुपए की नहीं मिलती है, वो मिलती है. नहीं मिलती है दोस्तों, अगर मिलती है तो मुझे दिलवा देना. सो इनके एक्सपेक्टेड प्राइस आपको मैंने बता दिए हैं, एवरी प्राइस इज नेगोशिएबल. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. ये सारी बूसाज 1 2 3 4 5 6, आज आपने 6 बूसाज देखी. आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगती है, आपकी कौन सी फेवरेट थी, आपको कौन सी सबसे बढ़िया लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स कीजिएगा. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिवर्ट बैक टू यू गाइस. एंड इसके अलावा कुछ भी आपको चाहिए है, कुछ भी नॉलेज चाहिए है, कुछ भी आपको कोई मन में डाउट है, क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन. ऑन माई इंस्टाग्राम पेज पर भी खुल गया हमारा सरस्वती अंडरस्कोर मोटर्स के नाम से, अर्जुन उसमें डाल देगा. एंड फेसबुक पेज तुम्हारा है ही है, सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स के नाम से. यू कैन फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, कभी भी भेज सकोगे, पूछिए मुझसे. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई योर कमेंट्स ऑल्सो. सो गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो हायाबुसा को लेके, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, छ हायाबुसा को लेके, छ हायाबुसा, वो भी सारी डिफरेंट. ये भी नहीं कि यार सेम दिखाई हो, सब डिफरेंट है. सब पहली बार आई है चैनल पे और मज़ा आ गया आपको ये वीडियो देख के. ये तो मैं खुद श्योर हूँ ये वीडियो बनाने में मेरे को इतना मजा आ गया. एग्जैक्टली, मजा था, मुझे भी आया था कि आज पहली बार यूट्यूब के अंदर ऐसी वीडियो शूट हो रही है जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, छह वीडियो आ रही है. अब इन 6 वीडियोस को क्या बोलोगे हम, वो तो बोल ही नहीं पाओगे. चलो जो भी बट एनीवेज, थैंक यू गाइस. जिगरा चाहिए इतनी बाइकें खड़ी करने के लिए भी, चला के दिखाने के लिए. जिगरा क्या करेगा, बस आप जैसे भाइयों का प्यार है साथ में तो. और गाइस सॉरी अगर आप लोग सोच रहे हो कि बाइक चला के क्यों नहीं दिखाई, इतना अंधेरा हो गया था कि वो बाइक वहां से आती हुई दिखती ही नहीं आपको. अंधेरा भी हो गया था, मोर ओवर रात को थोड़ा ट्रैफिक भी ज्यादा हो जाता है, सब लोग निकल रहे होते हैं, घर को जा रहे होते हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा सा ट्रैफिक कंडीशंस वर्स्ट हो जाती है. तो आई मेक श्योर कि ये चीजें जो हम दिखाते हैं यूट्यूब के अंदर भी बाइक्स भगा के, दो आर इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जिसके अंदर मेरे लड़के सब आस पास खड़े होते हैं, कि कंट्रोल सिचुएशन में होती है कि कोई मिस हैपनिंग ना हो. एनीवेज, इट वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो. आज आपको 6 बूसा दिखाई, 2010 उसके बाद 16, 2017 मॉडल, 18 और 19 सारी बाइक्स आपने देखी. आपको कौन सी अच्छी लगती है नीचे कमेंट्स करके बताइएगा. गाइस ये भी जरूर बताना कि एक ही वीडियो में एक से ज्यादा बाइक देखना पसंद है कि नहीं है. बिल्कुल सही. सो कीप पोरिंग इन ऑल योर कमेंट्स एंड लव, जैसा कि आप देते आए हो, इतनी इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऐसी सपोर्ट करते रहोगे तो मैं भी थोड़ा सा खिला खिला चेहरे के साथ आपको अच्छी अच्छी बाइक्स दिखाता रहूंगा. लास्ट वीडियो के बाद तो कुछ ज्यादा ही खिल गए हैं. नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे अब कोई जरूरत नहीं है किसी को रिप्लाई देने की, किसी को सच्चाई प्रूफ करने की या किसी को कुछ भी कहने की. और अगर किसी को लगता है कि हमने कमेंट्स कराए हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते यार. फेक कमेंट्स तो मेरे को खुद ही समझ आ रहा, मैं इतनी जल्दी कैसे बना लूंगा आईडिया. और बात ही नहीं करनी उस बारे में, बहुत मेरे जितने भी फेक कमेंट्स करने वाले लोगों, मेरे दोस्तों जो मेरे लिए फेक कमेंट्स करते हो मेरी बढ़ाई करने के लिए, भाई मत करो. उनको लग रहा है आप फेक कमेंट्स कर रहे हो, फेक कमेंट्स मत करो, ओवर कमेंट्स करो ना कर सकते हो, मैं तो यही कहूंगा. सो लेट इट बी फेक ओनली. भाजी 800 कमेंट, 850 कमेंट, सॉरी. क्या बात है, पहली बार हुआ ऐसा, पहली बार. थैंक यू सो मच, सबसे हाथ जोड़ के मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है. एंड सच्चाई सामने ही आती है हर बार की तरह. और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं दूसरे लोग, बट मेरा मैंने रिप्लाई देना ही नहीं है. एक ही वीडियो ने सारे रिप्लाई दे दिए, फायदा तो कोई बात. छोटी सी बात बताओ, आपके सामने कीचड़ है, कीचड़ में पत्थर मारोगे कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा. मैं वो चीज़ नहीं चाहता. इस करोल बाग मार्केट के अंदर जो इमेज खराब कर रखी है ऐसे डीलर्स ने, लोग डरते हैं करोल बाग आने से, ऑल बिकॉज ऑफ सच गाइज जो ऐसे करोल बाग के अंदर हैं, जो डील इतनी, मतलब भगवान भगवानों का नाम ले लेके डीले करते हैं, इंसान के अंदर डर पड़ जाता है. टाइम ही नहीं हो पाता है कि हम वीडियो शूट कर पाए. मतलब आप अभी टाइम देख रहे थे, क्या टाइम हो रहा था, रात होने वाली थी, मतलब लिटरली जब कस्टमर का थोड़ा क्राउड कम हो गया जी. बाकी मैं भी आता हूँ कभी कभी, वीडियो आधे ही शूट होता है, सिनेमैटिक रह जाते हैं बस, फोन में आ ही नहीं पाता, वीडियो नहीं शूट हो पाता है. भगवान की कृपा है, आप जैसे भाइयों का इतना साथ है कि मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, फुटफॉल अच्छी होती है, कंपटीशन इससे कहते हैं. मैं तो भैया बोलता हूँ कि स्टोरी मत डालना बाइक की, बिक जाएगी कल, पहले वीडियो डाल देंगे. ये बस आप लोगों का प्यार है जो इतना सपोर्ट करते हो आप, उसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ. ऑल थैंक्स टू यू गाइस, आज आपने, आप लोगों ने मुझे यहाँ पहुँचाया है. मैं कोई नहीं होता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम अ नॉर्मल पर्सन जस्ट लाइक यू ऑल.
सिर्फ आप लोगों ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। मेरे अंदर जो छोटा बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं उतनी नॉलेज आपको देना चाहता हूं। मेरे को नहीं चाहिए कि आप मुझसे बाइक लो, मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर कस्टमर बनो, मेरे से बाइक लेके जाओ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं आपसे एक नॉलेज शेयर कर सकूँ, एक आपको सही डायरेक्शन दे सकूँ कि आप अगर 5-6 लाख की बाइक लेना चाह रहे हो तो कौन सी बाइक आपके लिए अच्छी है, कौन सी बाइक आपके लिए सही नहीं है। गाइस ये तो आपने भी अभी तक पता कर ही लिया होगा कि कौन सी वीडियो में आपको नॉलेज एकदम भर के मिलती है। बिल्कुल, लेट्स भर के टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। मैं किसी भी अपनी वीडियो में किसी दूसरे फलाने ढंगाने बंदे के बारे में अपनी तारीफें नहीं करता, मैं कभी करूंगा भी नहीं। और भैया को बोलो कि इतने मिनट की वीडियो बनानी है, बस इतने मिनट की वीडियो बनानी है। मैं बोल रहा हूँ वो चैलेंज नेवर एंडिंग, मुझे बहुत कुछ जो भी कुछ है थोड़ी बहुत नॉलेज है। यार मेरे से ये पूछा जाता बता कितने मिनट की वीडियो बनानी है, बाजी जितना बताया जा रहा बता दो। मैं काफी सारी चीजें टेक्निकल टर्म्स अब नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आएगा, सो आई कैन नॉट गो इनटू दैट एली। बट थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इंस्टाग्राम मिस्ट्री बॉय व्लॉग से चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरी सारी वीडियोज अब इसी के चैनल पे आएंगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि ये थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँ वीडियोज के साथ। आजकल फुटफॉल इतनी आती है मेरे सपोर्टर्स, मेरे पास एक लड़का आया नैनीताल से, यार एक देहरादून से आया, एक नैनीताल से आया, लखनऊ से आ रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं मेरे सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट मैं चीज़ें जतलाना नहीं चाहता हूँ, एक इज्जत है, एक मान है, तो बस वो इज्जत मान बना रहे सब चीज़ों का। एंड फील फ्री टू कम, आप सरस्वती मोटर्स आइए, आई विल बी ऑलवेज देयर, आपका तहे दिल से शुक्रिया, वेलकम करूंगा। आप आओ, बाइक चलाओ, देखो डील, मैच्योर हो चाहे ना हो, दैट्स इज सेकेंडरी ऑप्शन। एक बार मिलने आओ, आपके छोटे भाई का शोरूम है, छोटा सा शोरूम है, एक टॉय शॉप है मेरी, सो डेफिनेटली डू कम। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना वीडियो को, लाइक जरूर कर देना, अच्छा शेयर करना मत भूले। अगर पसंद आए दोस्तों को भी आप वीडियोस दिखाना चाहते हो, बूसा सी इन्फॉर्मेशन को भाई किसको पसंद नहीं है। एग्जैक्टली, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा फेसबुक पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी होगा और मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम भी बन चुका है। जिसने आवाज सुनाई उसका भी इंस्टाग्राम होगा, उसको भी फॉलो कर लेना। तो आप प्लीज फॉलो कर लेना अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हो। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, मेरी सारी स्टोरीज आती रहती है गाइस, यूट्यूब पे उतना जल्दी नहीं आता जितना मेरे इंस्टाग्राम पे आता है। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, थैंक यू सो मच, आप लोगों का फिर से शुक्रिया, सी यू सून, तब तक के लिए गुड नाइट।